नमस्कार दोस्तों, क्रिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मार्केट चली। सुबह एक गैप डाउन तो नहीं कहूंगा, लैटिस टू नेगेटिव ओपनिंग हुई, और उसके बाद दिन भर कोई ज्यादा खास किसी को पैसा बनाने को नहीं मिला। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ कि कंसोलिडेशन फेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी फंसी रही। हम लोग इस वीडियो में कल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में प्रमुखता से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चर्चा की थी, क्या बात हुई थी हमारी। सुबह सुबह 9:17 पे बिल्कुल क्लियर व्यू था कि 47303 यानी कि जो कल का हाई है उसके ऊपर हम बाय में ही रहेंगे। उसके नीचे 47200 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम सेल में नहीं आएंगे। फिर निफ्टी का 21230 और 21180 का लेवल था। ऐसे ही निफ्टी 50 का था 21006 और 20920 का। तो अब कहीं पर भी सेल लेवल तो मुझे नहीं लगता कि आए हैं यार। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, और अब आप देख सकते हैं फ्लैटिश ओपनिंग जरूर हुई थी। उसके बाद एक बार को हमारे अपसाइड के सारे लेवल्स 47380 भी आया, 47491 भी आया, और 47588 47588 तक मार्केट जाके आई है। लेकिन वहीं से वापस नीचे को गिरावट आई, 47491, 47380 और उसके बाद 47300, 303 जो था वो एक सपोर्ट का काम करता रहा। लेकिन वही 47300 से 47380 के बीच बीच में, या ये कहिए लास्ट में जाके एक बार 47400 तक, 430, 429 तक भी जाके आया, और वहीं से लास्ट में आपको 47314 के आसपास क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। कुछ खास किसी को बनाने का मौका मुझे नहीं लगता कि मिला होगा। और दोस्तों क्यों हुआ ऐसा, आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 47314.25 पर। 7 स्टॉक्स एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 5। आपको अगर याद होगा तो मैंने आज सुबह भी यही कहा था कि अब यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन डजंट मीन कि हम यहाँ से शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करना एक अलग बात है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में क्या होता है, डिप आएगा तो बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छी कंसोलिडेशन आई है और अब हम यहाँ से एक अपसाइड की ओर रफ्तार तेजी से और बढ़ता हुआ देख पाएंगे। आज जो डिप मिला है वो मिला है एक्सिस बैंक में, आज डिप मिला है लगभग 1.5% डाउन में क्लोज हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक, AU बैंक, HDFC बैंक भी आज रेड में क्लोज हुआ है, फेडरल बैंक भी रेड में ही क्लोज हुआ है। वहीं PNB तेज था, बैंक बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ICICI और कोटक बैंक थे ग्रीन में क्लोजिंग देने वाले स्टॉक्स। 47233 की ओपनिंग है, 47314 यानी कि 52 पॉइंट ऊपर आज क्लोजिंग हुई है, और 47200 के नीचे क्या आज गया है आइए जरा देखते हैं। हालांकि लो 47186 का जरूर दिखा रहा है, लेकिन वो आपको जो लो लगा था 47186 का, वो आपको लगभग लगभग सुबह 9:15 के आसपास ही लग गया था। उसके बाद आपको मालूम है किस तरह से अपसाइड का मूव इसने दिया है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, जहां पर ये चीज बोली गई थी कि 21006 के ऊपर ही हम बाय में आएंगे। देखिए 10:15 के आसपास हमको लगा कि अपसाइड जाएगा, लेकिन वहीं से डाउनफॉल आ गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं 21006 किस तरह से एक रेजिस्टेंस का काम, 21,000, 21,006 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता रहा और कंसोलिडेट होती रही। ना तो निफ्टी गिरी ही, ना उसके ऊपर ही जाके टिक पाई। तो 21,000 के नीचे ही हम आज क्लोज भी हुए हैं निफ्टी 50 पर, 20,997 पर क्लोजिंग है। जबकि आप देखेंगे 28 एडवांसेस में थे और डिक्लाइंस में थे केवल 22, लेकिन जब आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी जैसा स्टॉक आज 5%, उसमें आपको मालूम है न्यूज थी, कुछ नेगेटिव न्यूज थी उसकी किसी फैसिलिटी को लेकर, तो उसके कारण आज उसमें 5% गिरावट में क्लोज हुआ है। एक्सिस बैंक भी आज गिरावट में था, सिप्ला, आइशर मोटर्स और M&M भी 1-1.5% की गिरावट में ही क्लोज हुए हैं। अल्ट्रा सीमेंट सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स में शामिल था। UPL भी आज 3.75% तेज चला है। अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले और पावर ग्रिड भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। अब दोस्तों जरा आज एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद, निफ्टी के बाद एक बार फिन निफ्टी की क्या स्थितियां बनी रही हैं।
अगर आप फिन निफ्टी की बात करेंगे तो फिन निफ्टी भी बहुत एक ही रेंज में, मोटा मोटा आप देखेंगे जिस तरह से बैंक निफ्टी एक रेंज में था, वैसा ही फिन निफ्टी भी एक रेंज में ही चलता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, 0% ऊपर, 21,214.70, यानी कि यहीं पर फ्राइडे को भी क्लोजिंग यही थी, आज भी वहीं पर क्लोजिंग मिली है। 21,192 पर ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग थी, 21,321 का हाई है, लो है 21,162 का, और 21,214 पर क्लोजिंग हुई है। PFCI तेज चल रहा था, चोला फिन में भी तेजी थी, श्रीराम फिन, REC और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX भी तेजी दिखा रहे थे। वहीं एक्सिस बैंक पिट रहा था, ICICI प्रू लाइफ, SBI कार्ड्स, बजाज फिनसर्व जैसे बड़े स्टॉक्स भी आज पिट ही रहे थे। साथ साथ HDFC AMC भी आज रेड में ही क्लोज हुआ है। इससे पहले कि मैं निफ्टी पर जाऊं, बैंक निफ्टी पर जाऊं, सबसे पहले ऑप्शन चेन देखते हैं कि क्या कहती है निफ्टी फिन सर्विस, यानी कि फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन। 21,214 पर क्लोजिंग, 21,214 पर क्लोजिंग है, और आपने देखा कि किस तरह से आज 21,250 रेजिस्टेंस बना रहा। 21,200 की पहले सिचुएशन देख लेते हैं। 21,200 पे दोस्तों बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से तो कल को एक बड़ा गैप अप हो सकता है। 21,200 के हिसाब से जो भी 21,200 पे पुट राइटर बहुत ही शानदार स्थिति में हैं, और 21,200 के कॉल राइटर इतने स्ट्रेंथ तो नहीं है, हालांकि आज नए एडिशंस जरूर हुए हैं, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ये कह सकें कि 21,200 का कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग बैठा हो। 21,200, 21,200 अभी सपोर्ट का काम अच्छा खासा कर सकता है। 21,300, 21,400, मुझे ऐसा लग रहा है कि 21,300 के भी ज्यादा, 21,400 पे OI ज्यादा है, यानी कि यहाँ से हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस 21,400 का बना हुआ है। 21,300 पर भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस जरूर है। अगर हमने कल 21,250 से ऊपर स्टार्ट किया चलना तो 21,300, और अगर 21,300 हमने तोड़ा तो 21,400 तक को देखने के लिए हमको कल ही मिल सकता है। अब सिचुएशन क्या है, बाय ऑन डिप्स की कहानी है फिन निफ्टी में भी। कोई जल्दबाजी कल को मत कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम मीटिंग डे हो सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये तो बात ठीक हुई, 21,400 तक का हमारे लिए अपसाइड का मूव दे सकती है, लेकिन डाउन साइड पे क्या होगा? देखिए, अगर 21,200 टूटता है तो 21,150 पर भी मुझे लगता है कि एक बार को 21,150 पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर वो सपोर्ट नहीं लेता तो 21,100 से 21,080 तक के लेवल्स भी डाउन साइड पे हमको कल को देखने को जरूर जरूर मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स की भी। मैंने रिमूव कर लिए हैं लेवल्स जो पुराने लगे हुए हैं, अब मैं नए लेवल्स लगाता हूँ। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दी है, वो दी है 47,314, 47,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में हम कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन हम अब जब तक 47,588 क्रॉस नहीं करते, 47,500 ही रादर मैं कहूंगा कि अगर हम 47,500 क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 47,500 के ऊपर ही एक बार को बाइंग में आने की कोशिश कर सकते हैं। 47,500 से क्या होगा, 47,500, 503 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो हम बाइंग में आएंगे फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 47,588। रीजन क्या है, 47,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, आज हमने तोड़ा जरूर था लेकिन उसके बाद जब इसके नीचे आ गए हम उसके बाद फिर वापस इसको टेस्ट करने भी नहीं गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल को 47,503 वाला रेजिस्टेंस टूट जाएगा और हम 47,588 की ओर जाते हुए दिख जाएंगे। 47,588 टूटता है तो 47,690 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद 47,800, 812 के आसपास के टारगेट हमको अपसाइड में मिल सकते हैं। वही दोस्तों याद रखिएगा कि 47,200 अगर टूटता है, कहिए कहिए 47,186 जो मंडे का लो है, अगर वो टूटता है तो वहां से सेल सेल सेल, सीधा सीधा टारगेट है साहब 47,010.11 का। 47,000 ही अब हमारे लिए मेन सपोर्ट रहेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो 47,000 हमारे लिए मेन मेन सपोर्ट है, यहाँ से एक बार को बाउंस आ सकता है, बट अगर वो भी टूट गया तो 46,860, 861 का सपोर्ट हमको नजर आता है चार्ट्स पर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। देखिए निफ्टी 50 21,000 पार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं हम, 21,000 के ऊपर जरूर जाते हैं लेकिन 21,000 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक हम अब 21,026 के ऊपर नहीं जाए,
21,026 के ऊपर जब तक नहीं जाते तब तक बाय में नहीं आएंगे। उसके बाद सीधा सीधा टारगेट हमारा 21,070, 21,072 का, 21,072 का, और अगर वो पार करते हैं तो 21,100 पार कर लेंगे, 21,102, 103 का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करें, 20,923 जो कि लो है मंडे का, अगर वो कट जाता है तो 20,899 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और अगर वो भी गया तो 20,867, 870 तक के लेवल्स भी हमको देखने को भली भांति मिल सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी लोग मुझे फोन करते हैं, काफी दोस्त ऐसे लोग हैं जो ये कहिए कि जिनको आइडिया भी नहीं है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लेकिन क्योंकि किसी दोस्त ने कह दिया, किसी मित्र ने कह दिया, या किसी भी बंदे ने फोन पे बता दिया, हाँ भाई ये कॉल ले लो, कॉल्स लेकर और अपने माँ बाप से उन्होंने पैसे ले लिए, या उधार पैसे ले लिए, या फिर के कहिए क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, वो लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा ना करें, पहले इस चीज को सीखें, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो असफल हैं, वो लॉसेस करते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि इसमें जितना कम कैपिटल से काम करें और जितना सीख कर काम करें उतना ही बेहतर होगा। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, नहीं सर इसमें बड़ा कैपिटल होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि एवरेजिंग से सब चीज हो जाती है। याद रखिएगा, एवरेजिंग इज अ सिन इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, वो काम मत कीजिए। उम्मीद यही करता हूँ आपको ये हमारे चैनल पर जो वीडियोस हम लोग देते हैं ये पसंद आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये डिस्क्लेमर है, और यहाँ पर जो भी बातचीत होती है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए होती है, बाय सेल की सलाह नहीं है इसमें कोई भी। तो अगर आप लाइक कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड माय डियर फ्रेंड्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड बाय।